गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली आज वो दिन है जिस दिन हम घर निकलेंगे। और मैं आपको बताऊं तो रात भर बारिश हुई है यहाँ पे, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे सोते सोते टेंशन हो रहा था कि अरे यार, अगर इतना बारिश रहा तो कहीं हमारा फ़्लाइट रीशेड्यूल तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। रात भर मैंने ये सोचा है क्योंकि बहुत बारिश हुई है। मैं बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी रात बरसा है, इतनी बारिश पड़ी है यहाँ पे। अभी सब सो रहे हैं बैठे हुए, सिर्फ मैं उठी हूँ, नाइट ड्रेस में हूँ इसलिए आपके सामने नहीं हूँ। और अब मैं जा रही हूँ उन लोग को उठाने, बिकॉज़ पैकिंग भी बाकी है और नाश्ता करने भी जाना है, सारी पैकिंग भी करनी है। दोपहर को 3:30 बजे हमें निकलना है। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9, मैं 7:00 उठी थी, यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रही थी सोफे पे। हेलो बबी, चले आज हम गोवा छोड़ के, आज गोवा को बाय बाय, दिस इज़ आर लास्ट, दिस ट्रिप लास्ट डे। बस अभी 2 बज रहे हैं, लंच करके आए हम लोग और 3 बजे आ जाएगी हमारी टैक्सी, निकल पड़ेंगे हम हमारे सफ़र पे, हमारे कहाँ के लिए, घर के लिए, हमारे आशियाना, हमारे घर, होम स्वीट होम। हाँ, उससे अच्छी जगह तो कोई नहीं है इस वर्ल्ड में, सबसे अच्छी जगह। तो जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो इन दोनों को यहाँ फ़ोटो खिंचवाने का बहुत मन था, तो दोनों के दोनों यहाँ खड़े हो गए कि मम्मी एक फ़ोटो खींच दो, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए थे एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ। वैसे कल के लिए सॉरी, कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी, एक्चुअली मैं एडिटिंग नहीं निपटा पाई थी, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी रह गई थी, थोड़ा सा आलस आ गया यार, बस इसीलिए कल व्लॉग नहीं डाला था, आई एम सो सॉरी। अब बस जितनी भी पैकिंग लास्ट बची हुई है वो फिनिश करनी है, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटा है। तो ये टाइम हो गया 3 बजे, अप्रॉक्स 3 बज चुके हैं और सब कुछ पैकअप हो गया, सब डन हो गया, बस अब निकलना है। तो आप देख सकते हो, टाइम दिखाती हूँ आपको, 3 बज रहे हैं और हमारा गोवा का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारे घर के लिए, होम स्वीट होम के लिए हमारा सफ़र। तो हमने चेकआउट के लिए बुलाया था भैया जी को, तो भैया जी आ गए थे सामान लेने के लिए, हम आ गए ये रिसेप्शन पे, ये रिसेप्शन एरिया है और बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी का जो हमने बुक की है गोवा एयरपोर्ट के लिए। और कुछ लोग ना कन्फ्यूज़न रख रहे थे कि मतलब आप अभी तक गोवा में हो क्या, तो नहीं, मैं गोवा में अब नहीं हूँ, मैं घर पे आ चुकी हूँ। व्लॉग मेरे हमेशा 3-4 दिन पीछे चलते हैं। और गोवा से आने के बाद एक्चुअली कई सारे व्लॉग थे मेरे पास, तो मैं एडिट कर करके डाल रही थी, बीच में गैप भी आ गया था, बीच में कुछ दिन मैंने ऐसा भी हुआ है कि वीडियोज़ नहीं डाले थे 1-2 दिन बीच में, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम कर रही हूँ और बस अब आपको रेगुलर घर वाले रूटीन वाले व्लॉग्स मिलने वाले हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी घर पे जाने के लिए। वहाँ से जाने का तो थोड़ा अपसेट होते हैं। हाँ, हम लोग रॉयल बाम से जाते तो हम लोग को अपसेट फील होता, लेकिन यहाँ से अभी जा रहे तो खुश हैं, मजा आवे मजा आवे है, घर जावे है, घर जावे है, घर जाके चाय पीवे है बीवी जी के हाथ की, कल पीवे है, आज ही पीवे है, रात को हम लोग रात को पहुँच जाने वाले हैं। और यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं डबोलिम एयरपोर्ट पे, यानी कि गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। लगभग हम यहाँ पे पहुँचे हैं तकरीबन 5 बजे के करीब हमने एंट्री किया, क्योंकि 7 बजे का फ़्लाइट है तो 2 घंटे प्रायर आजकल आना पड़ता है। अगेन वही वाली सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी कर ली हुई है, हमारा वेब चेक इन, देन बोर्डिंग पास के प्रिंट आउट, ये सब कुछ ले लिया, लगेज हमने दे दिया लगेज में, और बस फाइनली अब हम लोग थोड़ा सा जाके बैठेंगे, क्योंकि अभी टाइम है चेक इन करने के बाद, 1 घंटा जैसा तो वेट करना पड़ेगा ही, तो वहाँ बैठ जाएंगे। और फाइनली हमें कॉल आ गया था, मतलब कॉल इन द सेंस कि जो अनाउंस करते हैं कि भाई आपका बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है,
तो बस हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, अब हमारी फ्लाइट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। Good evening, ladies and gentlemen. With our announces the departure of its flight UK 853 today. All remaining passengers are requested to stop the boarding. उसमें लिखा है सबका सीट नंबर लिखा। थोड़ा सा गोवा छोड़ते हुए सब दुखी भी हैं और घर जाने की सबके चेहरे पे खुशी भी है। क्या होता है ना, कितना भी हम बाहर चले जाएं लेकिन घर तो घर होता है। मुझे बहुत याद आ रही थी 2-4 दिन से, पर ये लोग फिर भी गोवा में एंजॉय कर रहे थे। बट जैसे जैसे घर जाने का नंबर आया ना, सब लोग खुश हो गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमारा घर हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से मैंने शूट किया था, ये पायलट का जो छोटा सा रूम होता है ना, वो मेरे सीट पे से दिखाई दे रहा था। तो फाइनली अब हम टेक ऑफ करेंगे। प्रिशा शूट कर रही थी टेक ऑफ करते टाइम, और अब मैं आपको दिखाऊंगी गोवा का ऊपर से व्यू के कैसा लगता है, क्योंकि टेक ऑफ करने के टाइम पे प्रिशा ने काफ़ी सारा शूट कर लिया था। तो देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है गोवा ऊपर से। सो बाय बाय गोवा, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल हम चले हमारे आशियाने पे, जो कि हमारा हमेशा साथ देता है और हमें हमेशा अपनी शरण में रखता है। और इस साइड पे ना, एक साइड पे पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा था, अभी जिस साइड पे बैठा हुआ था ना, वहाँ पर कुछ इस साइड से इस टाइप से दिखाई दे रहा था, जबकि रात हो चुकी थी। लेकिन वन साइड पर ऐसे था और दूसरे साइड पर एकदम डार्क था। तो अब बस सूरत पहुँच जाएंगे हम लोग 45 मिनट्स में, सूरत एयरपोर्ट पर जाके मिलते हैं। तो पहुंच गए हम सूरत के एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे लगेज भी हमारा आ चुका है, सब ट्रॉली में रख दिया है। और इनके एक दोस्त हैं जो अपनी कार से हमें लेके आने वाले हैं, मतलब लेने आने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनका कॉल भी आ गया और वो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये सूरत एयरपोर्ट है, हर एक तो मतलब सबने तो नहीं देखा होगा सूरत का एयरपोर्ट, इसीलिए मैं शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पे से हम अब निकल जाएंगे, घर की तरफ बढ़ेंगे, जाके सबसे पहले एक एक कप चाय पियेंगे। काफ़ी टाइम हो गया घर की चाय पिए हुए। नो डाउट वहाँ भी हम बनाते थे, लेकिन वो घर नहीं था ना यार, वो तो रूम था ना। होम स्वीट होम पहुंच गए हम लोग, और हम पहुंचे हैं 7:45 बजे। नहीं 7:45 नहीं, ये तो घड़ी बंद हो रही है, हम तो पहुंचे हैं 9:50 बजे, 9:30 के 9:30 के बीच का टाइम है। एंड वी जस्ट रीच, इतना अच्छा लग रहा है 12 दिन के बाद अपना घर देख के। तो समझ लो आप 12 दिन हो गए घर से दूर, बहुत अच्छा लग रहा है। घड़ी कैसे रुक गई बेबी, घड़ी रुक गई, कर दो बेबी और क्या। तो ये हमारा हमेशा वाला रिजॉर्ट है ना, हमेशा वाला सुंदर सा रिजॉर्ट हमारा। तो बिल्कुल साफ सुथरा घर छोड़ के गई थी मैं, आपको याद ही होगा, तो बस वैसे ही साफ पड़ा हुआ एकदम, देखिए जरा गंदगी नहीं है घर में। पर यहाँ जब मैंने आके दरवाज़ा खोला ना, तो यहाँ कबूतरों ने कुछ कांड किया हुआ है। इन लोगों ने देखो कितनी गंदगी मचा दी हुई, पूरा घर साफ करके गई थी मैं, और ये किचन के कपड़े धो के सुखा के गई थी मैं, ये किचन के कपड़े हैं सारे, तो अब ले लूँगी। थोड़ी देर खुला करते हैं बेटा, बाहर की फ्रेश एयर आएगी। अब भी जस्ट आए और आके मैंने ये सब ओपन किया है, और अब मैं दूसरे वाले रूम को भी ये कर दूँ। कबूतरों ने देखो वहाँ पर क्या किया है, देखो तोड़ा ताड़ी की है कुछ बालकनी में। और यहाँ हमारा किचन भी एकदम साफ है, क्योंकि मैं साफ छोड़ के गई थी और मतलब सब कुछ करके गई थी ना, आंटी को भी बुला लिया हुआ था। अब बनाएंगे हम एक एक कप चाय, है ना बेबी, एक पियोगे? दूध मंगाती हूँ मैं, कुछ करती हूँ दूध का, एकदम साफ पड़ा है घर, इसीलिए क्लीन करके जाती हूँ मैं, जिससे आके ना घर में बस डायरेक्ट अपना शुरू कर सके कामकाज। तो अच्छा लग रहा है, और वाईफाई ऑन करती हूँ मैं, मेरा वाईफाई ऑफ पड़ा हुआ है। हो आती करो क्या किया इन लोगों ने, दिया तोड़ा वही ना, कि और भी कुछ कर दिया, गिरा दिया, एक दीवार टूट गया है।
बहुत 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 अच्छा लग रहा है अपने घर को देख के। काफ़ी लंबी वेकेशन थी हमारी 12 दिन की, जिसके बाद घर आके बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो ये इनकी परमानेंट जगह है, ये लोग ऐसे ही रात को खाना खाने के बाद पड़े होते हैं यहाँ पे और बस मोबाइल में, ये अपनी पढ़ाई कर रही होती है, अभी अपने मोबाइल में होता है, मैं अपनी एडिटिंग में होती हूँ, मैं और फिलहाल घर को देख रहे हो। ये मेरा पर्स और हमने लगेज फिलहाल यहाँ लगा दिया हुआ है, यहाँ लगा दिया हुआ है, तो ये अब कल खुलेगा सामान, एक एक करके खोलेंगे हम। सबसे पहले वही खुलेगा। ईशा दूध का क्या करें, चाय बनानी है? दूध अभी कुछ करना पड़ेगा बेबी, लाना पड़ेगा और क्या। खोलो इसको भी, हमारा सपनों का महल, हमारा सपनों का महल। कितना खुश हो रहा है ये। यहाँ की विंडो थोड़ी सी ओपन करते हैं जिससे कि घर में फ्रेश एयर आए इतने दिनों के बाद, तो इसको ओपन कर दिया जाए। ओ यहाँ भी बहुत कबूतर है यार, ये हमारे पीछे आए और जब हम होते तब तो नहीं आते ये, डर जाते हैं, बदमाश हैं ये, बदमाश हैं। चलिए घर पहुँचते ही शुरू हो जाएंगे हमारे घर के काम। इस रूम को मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि ये मेरी जगह होती थी, मैं यहाँ पे बैठ के मेरी बुक्स लेके बैठ जाती थी और पढ़ती रहती थी। और यहाँ कौन बैठा है? ये पापा मम्मी, ये दोनों बैठे थे, वो ब्राउन वाला अभी, वो स्कर्ट वाली परेशान जो एकदम कोने में से है ना वो। हाँ तो ये जब हम घर पे नहीं थे ना तो ये हमारे घर पे बैठे हुए देख रहे थे विवेक और रुचि कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हाँ, ये लोग हमारे घर की टेक केयर कर रहे थे। और तुम्हें एक बात बता दूँ? बोलो। इस विंडो में कभी कबूतर नहीं आते और देखो इन्होंने क्या किया हमारे पीछे, मतलब हम नहीं थे इन्होंने पूरा हमारे घर का फायदा उठाया है विंडोज का। वो दिया क्यों तोड़ा बताया? पापा ने मुझे बोला, हमने ना वहाँ ऊपर की जगह में बॉक्सेस भर दिए ना, उस गुस्से में तोड़ दिया। ये देखिए गाइस यहाँ पे कबूतरों ने कितना धमाल मचाया हुआ है, कल सारी सफाई करनी पड़ेगी। जबकि हम जब होते हैं ना तब ये लोग कभी भी यहाँ नहीं बैठते, कभी भी नहीं, पर अभी हम गए थे तो इन्होंने अपने मन की मर्जी चलाई है यहाँ पे, अपना घर समझ के। कल मैं क्लीन करवाऊंगी। चलो चाय का कुछ इंतजाम करते हैं, दूध लेके आओ या पापा को बोलो। चाहिए मुझे तो दूध तो चाहिए। विवेक चाय भी नहीं है यार, प्लीज यार ऐसे मत करो, दूध लाके दो। बर्तन ढूंढती हूँ मैं, जल्दी जल्दी मैं यहीं रख गई थी इस तरह से। तो यहाँ हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है, अब मैं मिलती हूँ आपको कल मॉर्निंग में, बहुत थकी हुई हूँ। और ये अवी की क्लिप देख लो, इसने अपनी नानी के लिए एक वीडियो क्लिप बनाई थी प्रिशा का नाइट ड्रेस पहन के। ये मेरा नाइट ड्रेस पहन के बेटा है, निकाल नहीं रहा है, यहाँ कितना क्यूट लग रहा है, इसमें पॉकेट नहीं है, बेबी इसमें ठंड नहीं लगेगी इसको बिल्कुल भी, एकदम गर्म है। नानी देखो मटेरियल इसका, अंदर से भी वैसा ही है। नानी को फ्लाइंग किसी, अभी नानू को फ्लाइंग किसी, मेरी तरफ से भी, तेरी नहीं आई। ये मेरा नाइट ड्रेस पहन के बैठा है गाइस, ये मेरा नाइट ड्रेस है, स्कूल में मैंने पहना था याद हो तो आपको, और ये मेरा क्योंकि यहाँ ठंड हो रही है बहुत। हाँ काफी ठंड हो रही है, तो ये मेरा नाइट ड्रेस पहन के बैठ गया है। मतलब मैं नाइट ड्रेस मैंने ना अलमारी खोली तो वैसे ही गिर गया, तो मैं रखने गई ना तो ये लेके भाग चला। कौन सा डांस है, चलो करके दिखाओ दोबारा। दीदी का नाइट ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है, अबू पे दीदी का नाइट ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं रुकना, गर्मी लग रही थोड़ी बहुत, गर्मी इतनी ठंड हो रही है तुझे, गर्मी लग रही है, बैठ चुपचाप शांति से, और बहुत अच्छा लग रहा है, तू ये ले ले। और चुपचाप तो उसने मुंह पे उंगली रख दी है, तू लिखने लगते रह, चल लिख ले, लिख। कितना क्यूट लग रहा है ये, बहुत क्यूट लग रहा है। वेलकम होम बैक गाइस, हम लोग घर पे आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है घर पे आके। और मैं आपको बोलूँ तो जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन के बाद जब तक मेरे पास ब्लॉग स्टॉक में थे वहाँ तक मैंने आराम किया है, थोड़े बहुत एक आध ब्लॉग शूट किया, ज़्यादा नहीं। मैंने सोचा चलो ब्लॉग हैं तो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया है। और आज काफ़ी दिन हो गए आए हुए, 4-5 दिन हो गए, और थोड़ा सा रिलैक्स करके फ्री फ्रेश हो गई हूँ। रात का वक्त है, रात हो चुकी है, पूरा दिन थोड़ा आराम कर रही हूँ जब से आई हूँ। काफ़ी आराम भी किया, घर के काम भी किए क्योंकि कपड़े वपड़े बहुत हो गए थे। और अभी तैयार दिख रहे हैं हम आपको क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर पे, बिकॉज गोवा में काजू अच्छे मिलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो हम लोग वहाँ से एक दो फैमिलीज के लिए काजू लेके आए हैं, तो एक दो लोग को तो विवेक देके आ गए क्योंकि आए हुए तो हमें 3-4 दिन हो गए,
और बीच में मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने कहा चलो अब शुरू करते हैं, और अभी एक फैमिली को देना बाकी है तो वहाँ पे देने जा रहे हैं, तो होपफुली मैं आपको अब सुबह में ही मिलूंगी। व्लॉग मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं, तैयार हुए हैं तो इसने भी लाइनर वगैरह लगाया, प्यारा लग रहा है बच्चा। जब भी वाली टी शर्ट पहनती है ना, ये बोलती है कि ये किस में पहुंच जाती है, कौन से टाइम में, 90s में पहुंच जाती है ये, बहुत प्यारी लग रही है वैसे तो। और मेरा बता दो, मैंने आने के बाद क्या करा है? आने के बाद सिर्फ पढ़ाई की है इसने, बहुत सारी पढ़ाई की है, वहां भी कर रही थी जो कि जिनको बहुत ही क्वेश्चन रेज हो रहे थे ना कि मेरा 10th है मैं तो पढ़ नहीं रही, आप लोग मुझे छोड़ते नहीं हो ना, पहले मतलब मेरे वेट के लिए बोलते रहे और अब मेरी पढ़ाई। नहीं ऐसा नहीं है गाइज, वो पढ़ रही है, उसने आने के बाद बहुत पढ़ाई की है, अपना ट्यूशन का वर्क पूरा वहां कंप्लीट कर लिया था, साथों साथ आने के बाद एक बार स्कूल जाके आई है, अपनी जो भी डिफिकल्टीज थी वो पूछ के आई है। और आप लोग गलत समझ लेते हो यार कई बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कल इस बारे में ना आपसे बात करूंगी, आज अभी मैं जा रही हूं तो लेट हो जाएगा, अभी टाइम 9:45 होने वाले हैं और ये वही नई वाली दिखा दो वहाँ दिखा चुकी हूँ, फिर ज्यादा दिखाऊंगी तो ये हो जाएगा कि शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करते हैं। मम्मी के और पापा के ऑलमोस्ट सेम है वॉच तो अच्छा रहा, फ्रेश फील कर रही हूँ वहां से आके, जब वेकेशन पे जाएं तो फिर आने के बाद इंसान काफी फ्रेश फील करता है, फिर से अपना घर का रूटीन और फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट होता है। हाँ। ऐसे होता है तो अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ठंडी, हाँ गोवा में बहुत गर्मी थी और यहाँ बहुत ठंड है, मतलब गुजरात के हिसाब से ठंड है, जितनी ठंड हम छोड़ के गए थे ना यहाँ पे आए तो मैं कहा इतनी ठंड कहाँ से हो गई, यहाँ पे अच्छी खासी ठंड मिली है हमें। तो रात को जिस दिन आए ना उस दिन हमने पंखा भी नहीं चालू किया था रात को, हाँ इतनी ठंड थी, वरना हमें एक पे तो फैन रखना ही पड़ता है। जब गोवा में थे ना हम लोग, तब गोवा में पसीने आ रहे थे, मतलब न्यू ईयर के दिन भी आपने देखा होगा व्लॉग में कि मैं वो ड्रेस नहीं पहन पाई ज्यादा देर, शर्ट ड्रेस, इतना पसीनों में नहा गई थी मेरे बाल पूरे गीले थे पसीने, और मेरी ड्रेस ना तुमसे ज्यादा मोटी थी, इसकी थोड़ी हौजी मटेरियल जैसी थी, और मेरी जो ना कॉटराइज जो होता है ना कॉटराइज की मोटी वाली शर्ट ड्रेस थी, तो मुझे तो कंपलसरी चेंज करके आना पड़ा, अदरवाइज मैंने बड़े शौक से वो ड्रेस संभाल के रखी थी कि उसमें पहनूंगी, और फिर मुझे निकालना पड़ा उस ड्रेस को और चेंज करना पड़ा। तो वहां गर्मी थी और यहाँ पे आए तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड मिली है हमें, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलिए तो फिर चलते हैं, मैं जाके आती हूँ और फिर कल मिलती हूँ आपसे, कल मिलती हूँ, कुछ रेसिपी भी शेयर करूंगी और बस फिर ऐसे ही अब रूटीन ब्लॉग शुरू हो जाएंगे, है ना, हमारे घर वाले जो हमारी रेगुलर लाइफ होती है, अब तो कोई वेकेशन नहीं, अगर जाएंगे तो सिर्फ मॉम के यहाँ जाना है, मॉम डैड से मिलने का बहुत मन है, वो जब परमिशन देंगे तो उनके यहाँ जाना है बस, और कहीं नहीं जाना है। और मैंने कितने सारे क्वेश्चन देखे कि कितनों ने लिखा है कि मम्मा की वॉच मेंस वॉच है, तो सॉरी हाँ ये मैंने भी पढ़ा, ये मेंस वॉच नहीं है, ये वुमन वॉच है, जो लोग भी कमेंट कर रहे थे वो सब देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको कल मिलूंगी, कुछ सवाल और भी हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, जो कि गोवा के ब्लॉग पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए हैं तो मैंने नोट डाउन किए हैं, तो मैं कल आराम से विवेक के साथ बैठ के बात करूंगी, मैं कहा चलो व्लॉग तो शुरू कर देते हैं, तो मिलते हैं। We are happy. We don't mind these comments. We just stay in our old, small, little, cute world. Love you. Good night. मिलते हैं कल मॉर्निंग में. Bye.